हेलो हाय, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रखते होंगे। तो मैं आप सभी के लिए बहुत ही आसान तरीके से रेसिपी लेकर आती हूँ, नई होती है और यूनिक भी होती है, जिससे कि आप भी उसे घर पर बनाकर खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ये जो हमारी रेसिपी है, आप इसे देखते रहिए और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और अभी आ रहा है सावन, तो सावन है इस बार 2 महीने का, जिसमें आएंगे 8 सोमवार। तो बस अब हम सोमवार के उपवास के लिए रेसिपियां बनाएंगे और सब आप सभी के लिए आपको शेयर करेंगे। तो आपको क्या करना है कि 2 महीने आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए, जिससे कि आप भी वो वीडियो देख सकेंगे और घर पर बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप अगर चैनल पर मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूंगी वो सबसे पहले आपको मिलेगी, यानी आपके पास नोटिफिकेशन लगेगा जाएगा। और उसके बाद फिर आपको भी क्या करना है कि जो आपके रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड हैं, जिसको कुछ खाना, नया नया खाना बनाना या खाना पसंद है, तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी देखने को मिलेगी और वो भी घर पर बनाकर इसे खा सकते हैं। तो बस आप मेरी वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो चलिए आज की हम पहली रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मैं ले रही हूँ यहाँ पर 1 कटोरी साबूदाना। मेज़रमेंट के लिए आप कटोरी, कप, ग्लास कुछ भी ले सकते हैं। और इसमें डाल दिया है मैंने नॉर्मल पानी, और इसे 2 बार कम से कम आपको अच्छे से धो देना है और पानी को आप फेंक दीजिए। अब लेंगे हम यहाँ पर दही 1 कटोरी का। ये लगभग मेरा दही है, घर का दही है, बिल्कुल भी ये खट्टा दही नहीं है, यानी ये ताज़ा दही है। तो बस चम्मच से हमें इसे मिला देना है। 2 से 3 चम्मच में यहाँ पर पानी ज़रा ऐड कर दूँगी, क्योंकि थोड़ा सा मुझे ये गाढ़ा लग रहा था। और बस ढक करके इसे 8 घंटे रेस्ट देना है। आप चाहें तो इसे पूरी नाइट भी होल्ड करके रख सकते हैं। और 8 घंटे हो गए हैं, ये देखिए हमारा साबूदाना भी अच्छा फूल गया है। और मैं ले लूँगी 1 मिक्सिंग बड़ा बाउल और उसमें साबूदाने को डाल दूँगी। और मैं यहाँ पर अदरक थोड़ा सा क्रश कर दूँगी। अगर आप ये व्रत में नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। इसके बाद अब इसमें हम जाएगा बारीक कटा हुआ करी पत्ता, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, आप तीखापन अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, काली मिर्ची पाउडर 1/2 चम्मच, व्रत वाला नमक 1/2 चम्मच इसमें जाएगा। अब जाएगा ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और मैं यहाँ पर ले रही हूँ जो भगर आती है, समा के चावल आप कहीं पर बोलते हैं, भगर बोलते हैं, बस वही उसी का ही मैं ये आटा ले रही हूँ। आप उसे घर पर भी बनाकर यानी पीस कर आप उसे छान लीजिए और इस्तेमाल कर लीजिए। 1/2 चम्मच इसमें जीरा, और सभी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। इसमें से अगर आप कोई भी चीज़ नहीं खाते हैं व्रत में तो स्किप कर सकते हैं। और छोटे छोटे हम गैस पर रख देंगे कढ़ाई, और तेल या घी जो भी आप उपवास में खाते हैं उसे अच्छे से गर्म होने के बाद लो फ्लेम पर करते हुए इस तरह से छोटे छोटे पकौड़े हमें छोड़ देना है। ये बहुत ही क्रिस्पी होते हैं और टेस्टी होते हैं, एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और बस अभी गैस का फ्लेम आपको मीडियम पर कर देना है, क्योंकि हमने जब पकौड़े छोड़े थे ना तो गैस का फ्लेम एकदम लो पर कर दिया था। अब मीडियम फ्लेम पर करते हुए अच्छे से क्रिस्पी होने तक यानी ब्राउन होने तक इसे सेक लेना है। ये देखिए इस तरह से, और भी हमारे अभी ब्राउन ये 2 मिनट बाद हो जाएंगे। और ये देखिए हमारे साबूदाने की ये रेसिपी बनकर रेडी हो गई है। आप इसे चटनी से, चाय से या फिर मसाले वाले दही से खा सकते हैं। आप दही में काली मिर्ची और व्रत वाला नमक डालकर इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो फिर आप भी सोमवार में इसे बनाए खाएँ, इंजॉय कर